मर्द को कभी खूबसूरती से नहीं परखा गया है, मर्द को परखा जाता है उसके सामर्थ्य से, उसके ताकत से। मर्द दुनिया में राज करने आया है। मर्द में राजा बनने का सामर्थ्य है तो उसे बहुत सारी रानियां मिलेगी और दासियां भी। अगर आप खूबसूरत नहीं हैं, ये ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका साहस। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मर्द की ऐसी 3 खासियतों के बारे में जिसमें से आप में कोई एक भी क्वालिटी हो तो आप किसी भी लड़की को पटा लोगे। नहीं, शक्लें मायने नहीं रखती है। आप काले हो या गोरे, आपके हाइट ज्यादा है या कम, कोई मायने नहीं रखता। सबसे पहली चीज है, तुम्हारे अंदर पैसे कमाने की क्वालिटी होनी चाहिए। मर्द खूबसूरत है उसे औरत मिले ना मिले, लेकिन जिसके पास पैसा होता है उसके पास बहुत सारी लड़कियां होती है। इश्क के बाजार में सब कुछ बिकता है, यहाँ तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा पैसों की कीमत होती है। यहाँ हर लड़की पटती है, बस पटाने वाला चाहिए, बस सही कीमत लगाने वाला चाहिए। दूसरी चीज जो लड़की पटाने के लिए चाहिए वो है एक अच्छी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपकी बॉडी मस्कुलर हो, पर्सनैलिटी का मतलब होता है आप खुद पर कितना ध्यान देते हो, आप कितने साफ सुथरे रहते हो, खुद का आप कितना ध्यान रखते हो। आपने देखा होगा कुछ लड़के होते हैं जो फैशन का हाथ नहीं छोड़ते, खुद की पर्सनैलिटी को हमेशा एक्टिव रखते हैं। दुनिया वाले चाहे उनके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन ये लोग अजीब हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, ग्रेट पर्सनैलिटी में गिने जाते हैं। इनके पास भी बहुत सारी लड़कियां होती है। तीसरी चीज है वुमेन साइकोलॉजी। जो लड़का मनोविज्ञान जानता है, उसके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ मनोविज्ञान की सहायता से वो किसी भी लड़की को पटा सकता है। मनोवैज्ञानिक जानता है लड़की के किस इशारे का मतलब क्या होता है, औरत की बॉडी लैंग्वेज समझता है और औरत के फीलिंग को समझता है। वो औरत के माइंड को कंट्रोल करके हमेशा अपने साथ बनाए रखता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कोई सवाल हो तो कमेंट करो। वुमेन साइकोलॉजी के लेक्चर चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और वेबसाइट विजिट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।